तो स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। पिछले वीडियो को आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के अवेयरनेस हम लोग लाते रहेंगे, उसी क्रम में आगे चलते हैं। आज देखते हैं एक नए टाइप का फ्रॉड, बिल्कुल नया टाइप का फ्रॉड है। इसमें अगर आप फंस गए, मैं हर बार दावे के साथ तो बोलता ही हूँ, इस बार भी कुछ दावा इस तरह से है कि अगर आप इस फ्रॉड में फंस गए तो आपका लाखों लाखों का नुकसान हो जाता है। और ये नुकसान कुछ इस तरह का होता है कि आप इस चीज को कहीं बता भी नहीं पाते। आप सोचते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाके बताएं तो लोग हंसेंगे हम पे, और ये गलती लोग कर बैठते हैं कि वो पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, वो अपने आप को उस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि हम खुद नहीं जाएंगे, हम किसी के थ्रू बुलवा के देख लें या हम ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं। इसलिए हमने पहले आपको ऑनलाइन कंप्लेन वाला वो वीडियो बना के दिया था एनसीआरबी पोर्टल का। इसी तरह के कोई कंप्लेन अगर आपको लगता है कि आप उस चीज को नहीं कहीं बता सकते हैं, कहीं आप नहीं जा सकते हैं, तो इस चीज को देखिए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपके किसी फ्रॉड के आपके साथ होने पर अगर आप उसको नहीं बताते हैं तो आपके साथ क्या परेशानी, क्या कुछ होता है, इसको देखते हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या है मामला। फेसबुक फ्रेंड फ्रॉड, ये हम इस बार आपको फेसबुक से जो दोस्ती होती है, दोस्ती करने के बाद कुछ लोग होते हैं इस तरह के, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और कोई लड़कियों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। तो मैं हमेशा एक बात को जरूर बोलता हूं कि अगर आपको किसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, अगर आप लड़की हैं तो लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, तो भाई अपना चेहरा एक बार आईना में जरूर देखिए, देखिए कि आप क्या इतने स्मार्ट हैं कि उसका एक्सेप्ट करने का आप में काबिलियत है। मुझे आता तो मैं तो बिल्कुल देखता हूं, हालांकि मैं फेसबुक पे अभी अवेलेबल नहीं हूं। देखते हैं नेक्स्ट। ये बंदा है जो फेसबुक पे क्या करता है कि फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट स्कैम के बारे में ये कुछ नहीं जानता। इसे लगता है कि हम बहुत स्मार्ट है, ब्रैड पिट और अपने आप को बहुत बड़ा हीरो की तरह अपने आप को समझता है। ये लड़कियों से दोस्ती करता है, इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी बहुत आते हैं। ये नहीं जानता है कि फेसबुक पे जो भी फीमेल और मेल इस तरह के लोग होते हैं वो स्कैम करते हैं, वो क्या कुछ होता है। ये इस लड़की के मन में अगर इसे चैटिंग कर रहा तो इसके मन में क्या चल रहा है, एक बेट की तरह लगा रखा है कि अगर इसमें फंस गया तो इसका लाखों का नुकसान होगा। चूंकि इस लड़के को आप ये समझ के चलो कि अगर इस लड़के का नुकसान होता है इस चीज में, तो ये लड़का कभी भी जाके थाने पे या किसी को अपना बात शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिन ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं इस तरह के क्राइम को, सिन ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं। लोग नॉर्मली इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये रिपोर्ट नहीं करने से कितनी परेशानी हो सकती है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसे जानना बहुत जरूरी है। आगे मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा कि इसको पकड़ना कैसे है, सिर्फ पकड़ना कैसे है उसको जानना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसको क्या कुछ है इसमें, बहुत जरूरी है इसको समझना। देखते हैं आगे कुछ इस तरह के मैसेजेस जो हैं आपको दिखता है। ये क्या होता है कि ये एक लेडी है जो कि वेंटिलेटर पे है, और इसने ये डाल रखा है कि माय सिस्टर हैज फिनिश्ड केमियो, ये थेरेपी दिया गया इनको और ये फाइनली बीट कैंसर। आपको ये लिखने के लिए क्या बोल रहा है, ये आपको लिखने के बोल रहा है कि विदाउट राइटिंग एमेन आप यहां से मत जाओ, आप लिखो। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, आपको लगेगा ये नॉर्मल चीज है। आप क्या करोगे, सद्भावना में बह के, भावना में बह के आप इस पे एमेन लिख दोगे। जैसे एमेन आपने लिखा तो सामने वाले को ये लगेगा ही इज इंटरेस्टेड, और इंटरेस्टेड नहीं भी है तो इसको ये पता है कि अगर सामने वाला बंदा रेस्पॉन्ड कर रहा है तो क्यों ना हम इससे बात करें। आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, हमारा एक बहुत ही अच्छा मित्र था, वो सिर्फ एक गलती किया था, उसने फेसबुक पे एक लड़की ने अपना रोता हुआ फोटो लगाया, उसने उस फोटो पे लिख दिया व्हाई आर यू क्राइंग, बस इतना ही लिखा था, और वो लड़का आज तक रो रहा है। वो सिर्फ पूछा था उससे और वो लड़का आज खुद रो रहा है। क्यों, क्योंकि वो जो लड़की जिसको वो why are you crying लिखा था, वो एक खुद फ्रॉडस्टर थी, और उस फ्रॉडस्टर ने फिर क्या किया, उससे बहुत पैसे ठग लिए थे। बहुत पुरानी बात है, आज भी उनसे मिलता हूं पूछता हूं तो आज के बाद वो भरोसा नहीं करते इन सब चीजों पे। ऐसा नहीं करना है, समझना है, समझदार बनना है, जागरूक बनना है। और फिर उसको कैसे, मैंने उनको दिखाया था कि कैसे हमने पता करें कि वो एक्चुअल में जेन्युइन था या फ्रॉड था, वो पता करने का भी तरीका मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए क्या है, ये एक लड़की ने फोटो डाला और इसने अपना बहुत ही प्यारा फोटो डाला। डालने के बाद इसने लिखा है यू इग्नोर मी बिकॉज आई एम 17, इफ यू क्लिक लाइक आई विल सेंड यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो लोग इसमें क्या है, फंस जाते हैं। ये खूबसूरत लड़की ने अपना फोटो लगाया, कोई इस तरह का स्मार्ट सा लड़का होगा जो फोटो लगाएगा। लगाने के बाद अगर आपको, आपने उसमें लिख दिया कि आप अगली हैं, ब्यूटीफुल हैं, आप कुछ भी इस पर लिखते हो, तो सामने वाला बंदा आपको रिस्पॉन्ड करता है। ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, नाइजीरियन जो होते हैं वो इस तरह के बेट अपनाते हैं, और इसमें लाखों लाख का नुकसान हो जाता है लोगों का।
क्या कुछ होता है इसको, हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको देखिए, समझिए कि कैसे इस तरह के फ्रॉड को नाइजीरियंस जो है वो अपनाते हैं और लाखों लाखों का नुकसान होता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत कम रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट लोग नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिन ऑफ द सोसाइटी अगर किसी को बताऊंगा तो हमारे ही मजाक उड़ाएंगे। ये ऐसा कुछ होता नहीं है, आप इसको रिपोर्ट करना जरूरी है अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो आप खुशकिस्मत है जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको समझिए, आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा, इसकी गारंटी। क्या कुछ होता है इसको समझना जरूरी है। एक साइबर फ्रॉडस्टर क्या करता है, ये फेक प्रोफाइल बनाता है, फेक प्रोफाइल बना के विक्टिम जो होता है उसको भेजता है फ्रेंड रिक्वेस्ट। फ्रेंड रिक्वेस्ट ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसने एक गलती किया कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करते ही इस दोनों का चैट स्टार्ट हो जाता है। चैट में मीटिंग्स, गिफ्ट एक्सचेंज की बात प्लान होती है बाहर जाने की, बाहर जाएंगे और क्या होता है कि ये इसको वादा करता है कि हम आपको एग्जॉटिक गिफ्ट्स देंगे, ज्वेलरीज देंगे, फॉरेन करेंसीज देंगे, और ये सब चीज चूंकि वो अपने आप को बताता है कि वो कहीं फॉरेन में रह रहा एक आम इंसान है या कोई ऐसा बंदा अपने आप को पोजेस करता है, शोकेस करता है कि भाई मेरे पास जो है बहुत पैसा है, मैं आपसे दोस्ती किया हूं, मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूं। इस तरह के चैट्स होते हैं इनके, इनके चैट्स आप देखोगे, हमने तो खुद देखा है उनके चैट्स, वो जो चैट्स होते हैं बहुत ज्यादा मतलब इंटीमेट चैट्स होते हैं, जो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये बंदा ही मेरा एक्चुअल दोस्त है और इसके अलावा कोई दुनिया में दोस्त नहीं है। वो फ्रॉडस्टर का एक तरीका है, वो आपको एक्सोटिक गिफ्ट्स देंगे, अरमानी, गुची, ये सारे ज्वेलरीज आपको देते हैं, वो एक वादा है, एक फेक वादा है, ये कुछ नहीं है, टोटल फेक प्रॉमिसेस होता है। ये बोलते हैं कि मैंने आपके लिए गिफ्ट भेज दिया है, आप जाके कलेक्ट करो। ये बंदा फॉरेन में बैठा होता है, ये वर्चुअली एक्चुअल में ये इंडिया में ही है, इंडिया से बैठ के क्राइम कर रहा है, नाइजीरिया के कुछ लोगों को मिला के वहां से क्राइम करवा रहा है। वो लड़की बन के बात किया और उसने क्या किया, एक्सोटिक गिफ्ट भेजने के नाम पे दिल्ली के एयरपोर्ट पे वो एक लेटर भी भेजता है कि आपका सारा गिफ्ट जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है। अभी क्या है, देखिए आपको क्या होता है, जब वो गिफ्ट आपके पास आता है तो आपको स्टार्ट क्या होगा कि आपको कस्टम से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से, आईटी से, जीएसटी से ये कॉल आने शुरू हो जाते हैं, ये कॉल आना इस विक्टिम को शुरू होता है। विक्टिम सोचता है कि यार ये कैसे, क्या चक्कर है, ये पहुंच गया क्या गिफ्ट। विक्टिम को तो यही लगेगा क्योंकि ये लोग जो है कस्टम के ऑफिसर्स समझ के, ये टोटल फ्रॉडस्टर है जो कि ये बैठे हैं, इनका पूरा गैंग शामिल होता है। ये आपको फॉरेन से बात करेगा, ये इंडिया में बैठे कस्टम से कि सर मैं आपको कस्टम से बात कर रही हूँ, आपका एक बहुत एक्सोटिक गिफ्ट आया होगा, इतना गिफ्ट आप मंगाए कैसे हैं, इतना महंगा, ये आपको फोटो भी भेजेगा, कोई पार्सल होगा उसका फोटो भी भेजेगा, ये भी बता भेजेगा कि सर ये कंफर्म कराता है ये फोटो भेज के इसको, और इस यहां से जो क्या होता है कि दिल्ली एयरपोर्ट वाले भी कंफर्म कराते हैं इसको। तो फोटो जब कंफर्म होता है तो इस बंदे को लगता है कि ये जेन्युइन बात है क्या। ये बंदा क्या करता है, ये तुरंत जो है साइबर फ्रॉडस्टर को कॉल करता है। साइबर फ्रॉडस्टर को कॉल करने के बाद पूछता है कि आप वाकई में भेजे हो, तो बोलता है हाँ, आप पैसा जमा कर दो। तो ये क्या करता है, सारा पैसा जमा कर देता है। वो पैसा जमा करने का क्या पर्पस है, पैसा जमा करने का पर्पस ये है कि आप पैसा जमा करोगे, ये ले लोगे, जब मैं इंडिया आऊंगा तो मैं आपको वापस दे दूंगा। तो जो भी पैसा जो जमा हो रहा है एक्चुअली में क्या है, वो पैसा फ्रॉडस्टर के अकाउंट का है, इनके अकाउंट का है। ये मल्टीपल चैनल में ट्रांजेक्शन करके कैश विड्रॉ करते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, इस बंदे का बहुत भारी नुकसान हो जाता है। इस बंदे को ये नहीं पता चल पाता कि क्या कुछ हुआ इसके साथ, इसको समझ ही नहीं पाता है कि भाई ये आखिर मामला क्या था। अब ये बंदा चूंकि ये लड़की बन के बात कर रहा है तो इससे क्या होता है, ये सामने पुलिस वाले को जाके बताने में बहुत संकोच करता है, इसको समझ में नहीं आता, एक तो ये ठगा गया। ये चैटिंग्स जो है कभी कभी, आजकल तो नया एक ट्रेंड आ गया है कि ये जो लेडी बन के बात करने की कोशिश कर रहा है, यही बोलेगा, ब्लैकमेल करेगा कि मैं आपके कुछ वीडियोस फोटोज जो है वायरल कर दूंगा, आप किसी को मत बताओ, खत्म करो मामला। तो ये इस तरह का जो है मामला सामने आ रहा है, तो इससे बचना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी था कि क्या कुछ है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या मामला था, इसको हम किस तरह से, ये हमें मैसेज करता है और क्या कुछ है, इसको हम पकड़ कैसे सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। डूज एंड डोंट्स हमने एक छोटा सा बना दिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। साफ लिखा हुआ है कि भैया फ्रेंड इज रिक्वेस्ट, अगर आपको सोशल मीडिया पे आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपना चेहरा देखिए, समझिए कि आप उतने स्मार्ट हैं तो एक्सेप्ट कीजिए अगर आप झेल सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिए। दूसरा चीज है कि भाई अननोन आदमी को पैसा पे मत कीजिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्चुअल वर्ल्ड में आप किसी को भी पैसा पे करते हैं आप फंस सकते हैं, आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। आप अपना कोई फाइनेंशियल डिटेल्स, कोई ट्रांजेक्शनल डिटेल्स या अपना खुद का डिटेल
मत शेयर कीजिए मैं यहाँ जा रही हूँ मैं वहां जा रहा हूँ, ये सब शेयर नहीं किया जाता है फेसबुक पे। फेसबुक ओपन वर्ल्ड है, आपको अगर सिक्योरिटी सेटिंग्स का फेसबुक के बारे में नहीं पता है आप मत उस पर अपना हाथ आजमाइए, और अगर आजमाइए मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें सीखिए मत, सीखिए तो किसी सामने वाला जो बंदा जानकार है जो इस चीज से जूझ रहा है इस चीज को समझ लिया है उससे आप बात कीजिए, आप बिल्कुल अच्छा इसमें काम कर सकते हैं। डू नॉट पोस्ट शेयर बैंक डिटेल्स, ये तो बिल्कुल ही इसमें तो लिखने की कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया पे आपको बैंक डिटेल्स शेयर करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए डूज क्या है, मतलब आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन फेसबुक में मिलता है, उसके सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद उसमें देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आपने ऑन कर लिया तो आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं आएगी जब भी कोई अननोन एक्सेस करेगा। अभी एक नया टाइप का फ्रॉड जो फेसबुक का आपको पता होगा कि फेक प्रोफाइल बना लेते हैं, कुछ लोग बोलता है सर मेरा फेसबुक हैक हो गया, फेसबुक कभी हैक नहीं होता, अगर हैक होता है तो उसके लिए बहुत एल्गोरिदम लगते हैं जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से कम वो आपके फेसबुक में एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप पासवर्ड अपना फोन नंबर रख देते हो, सामने वाला फेसबुक में आपका नाम पता कर लिया और फोन नंबर डाला और आपका जो है खुल जाता है। फोन नंबर कोई पासवर्ड रखता है ये तो मतलब मेरे समझ से परे है, कोई भी नहीं रखेगा। मैं खुद नहीं, मतलब मैं तो चूंकि फेसबुक में हूं भी नहीं, लेकिन मैं फेसबुक पे अगर पासवर्ड रखूंगा तो मैं अल्फा न्यूमेरिक और उस तरह के डिजिट्स को बना के रखूंगा, और मैं पासवर्ड को कंटिन्यूस तो चेंज नहीं करूंगा लेकिन मैं कम से कम 4 महीने में 5 महीने में चेंज करूंगा। और फेसबुक पे एक सेटिंग्स में लॉग्स आते हैं, लॉग्स में मैं जाकर देखूंगा कि मेरे फेसबुक को कहां कहां से एक्सेस किया गया है। कभी अगर इस पे आपको लगेगा कि फेसबुक वाले प्रोफाइल पे अगर कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं बता सकता हूं, अदरवाइज इसको बेसिक चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसके प्राइवेसी पॉलिसीज हैं फेसबुक के, आप जाकर देखो प्राइवेसी पॉलिसीज को फेसबुक को समझना बहुत जरूरी है, क्या कुछ लिखा होता है। आप समझदार हो, बुद्धिजीव हो, आप उसको पढ़ते हो, आप पढ़ो समझो देखो और इस पे जो है कि इस पे थोड़ा रिसर्च कर लोगे आपका फेसबुक रिलेटेड फ्रॉड नहीं होगा। अभी देखते हैं ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई इंफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग इन फेसबुक ऑन फेसबुक। तो बेसिकली क्या है क्रॉस वेरिफिकेशन, कैसे क्रॉस वेरीफाई करें, ये पूरा मुद्दा आज का जो है इसी पर डिपेंड है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, इसके बारे में जो लोग जानते हैं वो अपने आप को बचा सकते हैं, इसका गलत इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना है। गलत इस्तेमाल इसका किया जा सकता है वो कभी बताऊंगा, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको सीखें और समझें कि क्या है क्रॉस वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कैसे आपको अगर कोई फोटो आता है, आपको किसी तरह से कोई वीडियो आता है, आपको किसी तरह से कोई इमेज आता है या कोई पार्सल भेजता है, जैसे फ्रॉडस्टर ने पार्सल भेजा तो क्या वो जेन्युइन है, क्या वो अपना अकाउंट भेजा या अपना फोटो भेजा तो क्या वो जेन्युइन है, कैसे पता करें कि वो जेन्युइन बंदा है या फ्रॉडस्टर है, या वो आर्मी का कोई आदमी का फोटो लगा के खुद को जो बता रहा है बिजनेसमैन बता रहा है। आजकल एक डॉक्टर वाला बहुत चला हुआ है कि मैं डॉक्टर हूं मैं ये दे रहा हूं, क्योंकि COVID-19 का फेज चल रहा है, कोरोना का फेज चल रहा है, लोग परेशान है तो अपने आप को डॉक्टर पोजेस करेगा, डॉक्टर जॉर्ज, डॉक्टर रूनी, इस तरह के नाम रखेगा और आपको कुछ दवा बेचेगा, कुछ चीज दिखाने के नाम पे आपसे दोस्ती करेगा, बोलेगा कि बहुत बढ़िया ऑयल है, बहुत बढ़िया पत्थर है, इस तरह के चीजें को फेसबुक में फ्रॉड होता है। आप लोगों को समझ जाइए कि फ्री में कोई पैसा नहीं बांटता, आपको कोई चीज को दिखाया जाएगा, बोला जाएगा कि भैया ये पत्थर आप ले लीजिए, ये मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है और इस पत्थर को जो है कि आप कहीं बेचोगे, इसका एक टेस्ट होगा, टेस्ट में आपको कुछ पैसा लगेगा, इस तरह करके आपको फ्रॉड आपके साथ होता है। कैसे क्रॉस वेरीफाई करें इसको समझते हैं। ये कुछ इमेज सर्च है, रिवर्स इमेज सर्च, ये क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। हमने बना रखा है गूगल के हैं, बिंग के हैं, टिनआई के हैं, याहू के हैं, गेटी के हैं और पेंट्रेस्ट के हैं। ये बेसिकली क्या है कि गूगल इमेज जब हम सर्च करते हैं तो उसको ये देखना कि ये इमेज लिया कहां से गया। अगर आपको कोई बंदा इसको समझते हैं आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। देखिए ये एक फ्रॉडस्टर है, ये फॉरेन का नंबर है, इसने फोन किया बोला कि ये मैं अपना आई कार्ड भेज रहा हूँ, भेज रही हूँ, इस लड़की ने भेजा आई कार्ड भेजा अपना, और उसके बाद इसने एक पार्सल भेजा जो बोला कि डिस्पैच हो गया है, डिस्पैच का उसने ये बना दिया, डिस्पैच का आपको लोगो मिल गया, डिस्पैच का आपको एक रिसिप्ट मिल गया, आपको इसने पार्सल का फोटो भी भेज दिया। तो क्या ये पार्सल जेन्युइन है, हमको अगर ये मिल जाता है तो हमको तो यही लगता है कि सामने वाले ने यार जेन्युइन चीज भेजा है मुझे। अब हमको यही नहीं पता चल पाता है ये जो पार्सल है और ये जो डिस्पैच बिल है ये जेन्युइन है कि फ्रॉडस्टर ने अपने आप को इसको आपको ठगने के लिए बनाया है। इसको समझना जरूरी है। जो मैंने आपको पीछे रिवर्स इमेज सर्च बताया उसका एक वीडियो बनाया मैंने, उसको देखिए, उसको समझिए कि वो क्या चीज है, कैसे हम उस पर रिवर्स सर्च करेंगे, कैसे
इस इमेज को अगर हम रिवर्स सर्च में पेस्ट करते हैं यूआरएल को इसका, या इस फोटो को उसमें पेस्ट करते हैं, तो अगर इस तरह के कुछ लोग जो जेन्युइन लोग होते हैं वो लिखते हैं कि ये फोटो देखकर मुझे ठगा गया, ये आप गूगल में आपको तुरंत दिखा देगा नीचे कि भाई ये फ्रॉडशॉप के फोटो है, इस पे बचना है, या आपको ये जो इमेज भेजा गया है, ये आई कार्ड जो है, जो कार्ड है इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ये बता देगा कि आप इसको बना सकते हैं, या ये डिस्पैच जो रिलेटेड है तो क्या एक्चुअल जेन्युइन है या फ्रॉड है, ये पता चल जाता है रिवर्स इमेज सर्च में। देखते हैं उस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपने नेट खोला, नेट खोलने के बाद आपने सर्च किया 10i हमारे पास जो है वो पीछे जो है वो 10i सर्च किया, 10i.com में गए, 10i.com में हमारे पास ये है, हमने इमेज अपलोड करना है, क्योंकि हम लोग ने पहले ही इमेज को डाउनलोड कर रखा था, ये जो इमेज है इसको हम लोग डाउनलोड कर रखा था। डाउनलोड करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, ये अपलोड हो रहा है, देखिए क्या कुछ होता है। देखिए, इसके फ्रॉड के रिजल्ट आ गए हमारा, हम इसमें देख सकते हैं एक्चुअल जेन्युइन है कि क्या, ये हमारा इमेज था और इसके दो है। इसी तरह हम अगर क्या करते हैं कि उस लेडी ने जो अपना कार्ड भेजा था उसको हम देखते हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं। ये देखिए, इसके 15,000 के आसपास रिजल्ट आए, तो क्या ये जेन्युइन है? आप खुद सोचो, आप खुद बुद्धिजीवी, ये फ्रॉडस्टर ने आपको ठगने के लिए बनाया है। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं कि वो जो डिस्पैच भेजा, वो डिस्पैच क्या जेन्युइन है, एक ही डिस्पैच है या और भी है, तो देखिए क्या दिखता है। हमने सर्च किया, हमें ये दिखा, हम इसके बारे में सर्च करेंगे तो ये डिस्पैच का अलग से एक साइट है जिसपे डिस्पैच का हम उस तरह का रिसिप्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से रिवर्स इमेज को सर्च किया जाता है, किस तरह से फेसबुक पे जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे बचा जा सकता है। आप इसको बिल्कुल बहुत ध्यान से समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप ठगी के शिकार तब होते हैं जब आपके पास जानकारी नहीं होती है। आप जानकारी रखिए, आप चीजों को समझिए। रिवर्स इमेज सर्च का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आपको मैं यही बता रहा हूं कि रिवर्स इमेज सर्च में आप अपने आप को बचा सकते हैं। फेसबुक का जितना भी इमेज है, जो भी आपको लगता है कि ये फ्रॉड करने के लिए है, आप उसका एक बार रिवर्स सर्च जरूर कर लीजिएगा। रिवर्स सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आर्मी के किसी जगह का फोटो उठा के बैकग्राउंड चेंज करके अगर सामने वाला आपको वो इमेज देता है और ये बोलता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, आप रिवर्स सर्च करोगे तो वो फोटो कहां कहां से लिया गया है वो पता चल जाएगा। रिवर्स इमेज सर्च के बारे में बहुत ज्यादा और डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही जाना है, समझना है और आपको बताना है। और इस चीज को जो मैं फ्रॉड से बचने के उपाय है मैंने आपको बता दिया है, रिवर्स इमेज सर्च। दूसरा चीज है कि फेसबुक पे किसी तरह के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, करें तो आप बिल्कुल सतर्कता से, सावधानी से किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज के पूरे वीडियो का, कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, अगर कोई लेडी है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है हमारा कि आप अपने फैमिली को सबसे पहले बताएं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, पैसा नहीं दूंगी तो मैं फंस जाऊंगी, इस चक्कर में नहीं पड़िए। अगर आप पैसा दीजिएगा तो फंसिएगा ही, नहीं भी दीजिएगा तो भी आपको जो है वो तंग करता रहेगा। तो मेंटल हरासमेंट से अच्छा है फैमिली को बताइए, फैमिली फर्स्ट, वो आपको बता देंगे। और उस तरह के फ्रॉड लोग, उस तरह के ठग लोग, उस तरह के जो लोग होते हैं जो आपके सिर्फ आपके पैसे के पीछे रहते हैं, उनसे बिल्कुल सावधान रहना है। जिंदगी में ये सीख आपको अपनानी है कि कोई भी उस तरह के फ्रॉड जो ठगी करते हैं आपके साथ, उन लोगों का साथ आपको नहीं देना है, सपोर्ट नहीं करना है। आप अपने फैमिली को बताइए, फैमिली को बताने के बाद पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा, आपकी मदद की जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।